Hello everyone, this is Gaurav Singh and now I'm going to discuss about the subject that is social science, in which we study about the social and political life. In that, first of all, मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि ये NCERT class 6 को मैं आज start करने वाला हूँ और इसके पीछे मेरा एक ही logic है कि आप लोग सबसे पहले सिलेबस को समझें कि सिक्स क्लास के लिए सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, इसमें कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है. आप इन चीजों पर भी ध्यान रखें कि यहाँ पे हमारे पास चार यूनिट है और मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे पास है वो है सोशल साइंस सब्जेक्ट का नाम है, जिसमें हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये बुक नंबर 1 है जो सिक्स में स्टार्ट हुई है इस साल से, वो एनसीईआरटी की है, क्लास 6 की है. इसमें अब हम ये बताएंगे आपको कि इसमें चार यूनिट है, उस चार यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कितने चैप्टर्स हैं, कितना टाइम मिलेगा हमें पढ़ने के लिए, तो उस बेस पे हम बताएंगे. आप किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिक्स स्टैंडर्ड के हिसाब से जो जानकारी चाहिए सिविक्स में यानी नागरिक शास्त्र में, वो जानकारी यहाँ पर टेलीयानों के माध्यम से दी जाएगी. दूसरी चीज, अब आप लोग ये बिल्कुल भूल जाए कि आप लोगों को ट्यूशन पर निर्भर होना, बिल्कुल नहीं. ट्यूशन में जो चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, वो सारी चीजें हम टेलीयानों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी सारी वीडियो सभी बच्चों को मिल पाए, जिससे वो अपना अध्ययन कंटिन्यू कर पाए. जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की वजह से सभी को दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोगों लॉकडाउन की वजह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं. घर पर किसी का मोबाइल मात्र 10 से 15 मिनट के लिए लें और कहें कि हमें टेलीयानों का वीडियो देखना है, तो सभी आसानी से मोबाइल दे देंगे. लेकिन अगर आप कहेंगे कि हमें पबजी खेलना है तो अपना मोबाइल कोई नहीं देगा, गेम खेलना है बिल्कुल नहीं कोई देगा. लेकिन आप कहेंगे कि सर या भैया, ताऊ, चाचा, मामा जो भी है, उन्हें अगर कहेंगे कि मुझे टेलीयानों का वीडियो देखना है, पापा भैया जो भी है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि टेलीयानों के माध्यम से आप कुछ सीखने जा रहे हैं. ओके, सो ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर. यूनिट 1 जो है, यूनिट 1, इसमें दो चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2. चैप्टर 1 में है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में आपको बताया जाएगा कि डाइवर्सिटी को कैसे समझा जाए. डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर 2 में है, ये जो है पूरा चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में है, ठीक है. क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो है यूनिट, इसका नाम है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी. अब फिर अपना दूसरा चैप्टर है वो है गवर्नमेंट, ठीक है. यूनिट 2 जो है वो क्या है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, इट्स गवर्नमेंट. ओके, नाउ इन द थर्ड यूनिट वी आर हैविंग 3 चैप्टर्स, दैट इज पंचायती राज, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. 3 चैप्टर्स आर देयर एंड इन दिस चैप्टर इट इज लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज व्हाट, लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन वी विल स्टडी इन दैट. उसके बाद हम बात करेंगे कि जो अपना फोर्थ यूनिट है, इन दैट रूरल लाइवलीहुड एंड अर्बन लाइवलीहुड, इन दिस इट्स वॉज लाइवलीहुड्स. इस यूनिट का नाम क्या है, लाइवलीहुड्स. अब यहां आप देख सकते हैं ऐसे, पहला डाइवर्सिटी है जिसमें दो चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. दूसरा है व्हाट इज गवर्नमेंट, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, क्या की एलिमेंट्स है, ये पढ़ेंगे हम चैप्टर 4 में और चैप्टर 3 में. इट कम्स अंडर यूनिट 2, दैट इज गवर्नमेंट. थर्ड में पंचायती राज चैप्टर 5 एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर 6, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर 7. वी विल स्टडी इन दैट. इसमें हम देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है. जैसे आपने म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह का नाम सुना, वी विल यू नो डिस्कस सेपरेटली इन द चैप्टर. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस. सो रूरल लाइवलीहुड एंड अर्बन लाइवलीहुड, ये लाइवलीहुड चैप्टर में अपना है. तो इस तरह से हमने टोटल कितना चैप्टर कंप्लीट करना है, यूनिट करना है 1, 2, 3, 4.
चार यूनिट सिक्स एनसीईआरटी में है जो सिविक्स की बुक है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएं, आप लोग बस ध्यान से समझें सीखें। यहाँ पर हर एक चैप्टर में हम ध्यान रखे हैं कि चैप्टर में किन किन बातों का ख्याल रखा जाए। अब जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको, जिन्होंने नहीं लिख पाया वो यही नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये आपको फायदा करेगा जब आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसमें एक चीज और आपको जोड़कर बताना चाहेंगे कि जो अपने चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, चैप्टर्स में हम सिर्फ समरी नहीं बताएंगे, इसमें हमारा ध्यान होगा कि हर एक एलिमेंट को हम, हर एक जो कंसेप्ट है उसको हम क्लियर करें आप लोगों के बीच। जैसे मान लो इसमें क्या है, डायवर्सिटी क्या होता है, डायवर्सिटी समझने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए, किस पैरामीटर से हम समझेंगे कि यहाँ पे डायवर्सिटी है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन में क्या क्या चीजें आ सकती है, तो इन सब चीजों को हम अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, जिससे हम ये समझ में आएगा कि चैप्टर्स छूटेंगे नहीं। आप लोगों को पता है कि भारत के सबसे जो कठिन एग्जाम है वो आईएएस की होती है, उसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज जाता है वो सोशल साइंस को जाता है, आपको पता है। अभी जो वर्तमान परिवेश में देखा जा रहा है, सोशल साइंस का वैल्यू बहुत ही बढ़ गया है, जिन लोगों को भविष्य दिखता है सोशल साइंस लेके जाते हैं, अगर उन्हें आईएएस बनना, आईपीएस बनना, और भी कोई गवर्नमेंट की अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब चाहिए तो सोशल साइंस पढ़ते हैं। जो अच्छे संपादक इवन होते हैं, जो एडिटर होते हैं, न्यूज एंकर होते हैं, दे आर ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम सोशल साइंस बैकग्राउंड। इसीलिए आप ऐसा ना समझें सोशल साइंस हल्की सब्जेक्ट है, हल्की हर एक सब्जेक्ट अगर आपको जानकारी हो तो, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रयास है कि देश के सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें, ओके। फॉर दैट पर्पस वी हैव स्टार्टेड दिस स्टेडियम, ओके। नाउ हम कुछ और भी टॉपिक पे अभी आपको डिस्कस करके बताएंगे हमें कैसे पढ़ना है। आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर चार यूनिट है, चार यूनिट में क्या क्या है ये भी आपने देखा। अब इस चार यूनिट में आपको एक चीज और समझ में आना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि जो भी चीजें आपके बीच है इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कि आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, कि सोशल साइंस है, क्योंकि अभी आपको पता सोशल साइंस में और भी दो सब्जेक्ट है जो पढ़ा जाएगा, वो भी हम या हमारे मेंटर्स आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें नहीं छोड़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि अभी देखिए आपके पास 9 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स जो कहां से आता है, 4 यूनिट्स में है, ठीक है। 365 डेज है आपको, इसका मतलब क्या होता है, 1 ईयर और कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स, ओके। अब इसको आप ध्यान रखें कि ये 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 365 डेज है, 1 ईयर है, 12 मंथ्स हैं। आपको लगता है कि 9 चैप्टर पढ़ने के लिए 365 दिन कम पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। आप मतलब इस विषय को कई बार आप रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, इवन चैप्टर्स के हर एक पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। उसकी वजह क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या करता है, मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करना है, हर दिन पढ़ना है, इसको समझना है। अगर आपको दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर अपनी दिक्कतों को लिखें, एंड यू विल गेट द रिप्लाई विद इन 24 आवर्स, ओके। अगर लगता है कि किसी स्टूडेंट्स को उस पर अच्छी जानकारी है तो वो भी उसको रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ताकि भारत की शिक्षा में एक क्रांति जिस तरह से हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो सके। यहाँ पर आधार बिंदु कुछ भी नहीं रहेगा, ओके। यहाँ पर ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छी जानकारी, बिल्कुल नहीं। हम भी हैं, हम भी PhD स्कॉलर हैं, हमें भी लगभग 3 वर्षों का अनुभव है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, हम ये बता सकते हैं कि कहीं से भी बच्चे रहकर पढ़ सकते हैं और अपना भविष्य गढ़ सकते हैं, ओके। यू आर फ्री टू इनहेंस योर सेल्फ, टू डेवलप योर सेल्फ, ओके। सो यू मस्ट हैव टू बी रेडी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ चेरियानो, दैट्स इट, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सिलेबस प्रोग्राम।
ओके सो विद इन 365 डेज यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस ऑफ सिविक्स मल्टीपल टाइम्स ओके एंड इट विल हेल्प यू आफ्टर द 10th, 11th, 12th in graduation. Whenever you come to, for the preparation of government job, it will help you. Even it will create a, you know, social mentality with some, different kinds of vision towards the society. आपकी एक अलग विजनरी पावर हो जाएगी. आप लाख साइंस पढ़ो लेकिन समाज साइंस से नहीं, समाज कैसे चलता है लोगों के विचार से. And that thought will be created with the help of this kind of subject, which is in the literature or social science, humanities, arts, culture. These are the very important subject which will enhance your life as well. Okay, so thank you very much for watching the syllabus of 6th NCERT civic subject. Okay, so thank you very much once again. Please be continue watch and like and subscribe the channel and try to share as many as possible. Okay, thank you very much.